मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुरा के जंगल से सामने आया है, जहां दो अचले शव बरामद होने के बाद हड़कंप मचा। देर रात सिरसा कलार थाना पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में कुछ अचले शव पड़े हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस हमराइयों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा अचले शवों की फोटो उच्च अधिकारियों सोशल मीडिया में वायरल की गई। दोनों मृतकों की पहचान रशीद पुत्र बशीर नसीम पुत्र शेर खान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मामा भांजे हैं और पिछले 30 अप्रैल से लापता थे। सर, जले हुए शव मिले, क्या है पूरा मामला? ये कल देर रात सूचना मिली थी थाना सिरसा कलार में, जुगराजपुर और मऊ कनार के कछार का जंगल है, वहाँ दो अतजले शव पड़े थे। तो तत्काल सीकू कराया गया था और तस्दीक कराई गई कि कहाँ से ये गुमशुदगी हुई है। तो तत्काल पता चल गया कि कोतवाली उरई का प्रकरण था। मामा और भांजे रशीद, करीब उम्र 24 वर्ष, सनाब वसीर खां और नसीम सनाब शेर खां 18 वर्ष, ये मामा भांजे थे। ये नई बस्ती कोतवाली से गायब थे और कोतवाली में 364 का अभियोग भी पंजीकृत था। तो तत्काल उसके घर वालों को बुलाया गया, घर वालों ने कपड़ों और जूतों के आधार पर मृतक की तस्दीक कर ली। हमारी यशोजी टीम सिरसा कला जालौन और ये कुठौत पुलिस रात को ही घटना के अनावरण के प्रयास में लगे। घटना का अनावरण हो चुका है, कारण का भी पता चल चुका है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। हम अतिशीघ्र गिरफ्तार करके घटना का पूरी तरह से अनावरण कर देंगे। पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई सिरसा कला द्वारा की जा रही है और बीएचना कोतवाली उरई द्वारा। सर, क्या वजह रही थी कि 29 तारीख को परिजन भटक रहे थे और पुलिस ने गुमशुदगी तक दर्ज नहीं की थी? परिजनों का आरोप लेंगे। ये जांच में गए थे एसआई जी, उन्होंने वापसी में क्या लिखा हम इसकी चेक करा लें। हालांकि 364 का मुकदमा लिख गया है, अगर ऐसी बात है तो हम इसकी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।